करीब 28 साल से रेलवे स्टेशन पर इनकी आवाज़ गूंज रही है। पहले वो रोज़ खुद अनाउंस करती थी, बाद में उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड करके बजाया गया। कौन है, जानेंगे इनके बारे में? तो फ्रेंड्स, मैं हूँ कृष्ण सिंह और आप देख रहे हैं द टाइम सेवर। चलिए शुरू करते हैं। रेलवे स्टेशन पर कभी ना कभी यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ट्रेन नंबर वाक्य जरूर सुना होगा। आइए सुनते हैं इनकी आवाज। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी नंबर 133 कासगंज से। क्या आपको पता है आकर्षक लहजा और खूबसूरत आवाज की मल्लिका सरला चौधरी के बारे में? करीब 28 साल से रेलवे स्टेशन पर उनकी आवाज गूंज रही है। पहले वो रोज खुद अनाउंस करती थी, बाद में उनकी आवाज को रिकॉर्ड करके बजाया गया। फिलहाल कुछ महीनों से सरला चौधरी रेलवे में अनाउंसर के पद पर नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ रेलवे में पहचान बन चुकी है। बता दें कि सरला चौधरी ने साल 1982 में रेलवे के अनाउंसर पद पर अप्लाई किया था, टेस्ट पास करना पड़ा, फिर यहां से शुरू हुआ उनकी दैनिक मजदूरी पर काम करने का सिलसिला। वो रेलवे में दैनिक कार्य के भुगतान के आधार पर काम करती थी। फिर साल 1986 में यानी 4 साल बाद उनका पद अस्थायी हो गया। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन।